गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू विषमता माथुर वीलॉग। और अभी सुबह के 5 बजे हैं, मैं नहा चुकी हूँ और हैप्पी नवरात्र टू एवरीवन। नवदुर्गे का सबको, नौ दुर्गे की सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो आज पहला दिन है, जैसे तो आज सभी के घर में पूजा का माहौल होगा, सारी चीज़ें, तो मैं भी बस पूजा करने अब जा रही हूँ। एंड अभी पूजा में आज पहले दिन तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ें, माता की स्थापना, उसके बाद पाठ है, हवन है, सब कुछ होगा। और फिर मुझे बेटे को उठाना होगा स्कूल के लिए 6:30 बजे, इसलिए मैं 4 बजे उठी थी और अभी नहा वगैरह के रेडी हो गई उस कमरे में झाड़ू पोछा लगा के। तो फिर अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। जय माता दी। जय माता रानी। आप सभी लोगों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारी माता रानी है, माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो फ्रेंड्स, अभी पूजा हो चुकी है माता रानी का। पूजा करने के बाद, तो पाठ कवच करने के बाद बहुत सुकून मिलता है। तो बस अभी 6:15 हो गया है, तो मैं बेटे को उठाऊंगी। चलिए, आप लोग भी पूजा पाठ करिए, आज का दिन सबका बढ़िया हो, सारे हैप्पी नवरात्रि बन सकें। तो गाइस, अभी पूजा हो चुकी है, मिक्की स्कूल चले गए। जय माता दी बोली वशा। जय माता दी। अरे मेरी कन्या है, कन्या हो चुकी है, हनुका आ चुकी है, पूजा भी कराया और कलावा बनवाया। दिखाई कलावा किसने बांधा? और टीका और प्रसाद खाया? तो बस अब सिर नहाने गए हैं, तो मेरा तो फास्ट है, अब की बार पहला और आखिरी रख रही हूँ। वर्षा उधर नहीं जाएगा मंदिर की तरफ, तो बस अब सेट के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। मिकी का स्कूल ओपन है तो जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा सा फील होता है जब माता रानी की पूजा होती है घर पे। और ये देखिए, मैं दर्शन कराती हूँ माता रानी की। तो जय माता दी। बस तो वर्षा भी कहती, वर्षा क्या कहती, मम्मा कितना अच्छा लगता है, कहती क्या कह रहे थे आप सो के उठे थे, कितना अच्छा लगता है जब घर में माता रानी की पूजा होती, क्योंकि ये कन्या है ना, कन्या नहीं, जब ऐसे सजाते हैं। हाँ, जब क्या ऐसे कहते हैं, माता रानी का दरबार सजाते हैं ना। तो बस आज तो यही है, बाकी का देखते हैं। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, सबके सारे दिन अच्छे जाए, अच्छे से रहे सब लोग। मैं स्थित के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ, मिक्की तो 2 बजे आएंगे, फिर इन लोगों के लिए खाना देखती हूँ। एंड लहसुन प्याज तो खाया नहीं जाएगा पूरे 9 दिन। हम देख रहे हैं कौन सी मूवी, ये देखिए नाम बताइए, केदारनाथ। और सॉन्ग चल रहा है मेरा फेवरेट, जो मैं रोज सुनती हूँ ना वर्षा, कौन सा, नमो नमो है शंकरन भोलेनाथ बंकरन, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, मतलब बिल्कुल दिल में उतर जाता, चलता लगता है सारा दिन सारी रात वही चलाते रहो। हम लोग देख रहे हैं आराम से, फिर काम कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट सॉरी व्रत का मैंने थोड़ा सा कुछ बना के खाया है, उसका मैंने जो यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है वीडियो। तो बस अब उसके बाद इन लोग बच्चों का खाना बनाया जाएगा, तब तक मैं माँ बेटी दोनों इन्जॉय कर रहे हैं, आराम से लेटे हैं, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठी थी। भैया स्कूल गया, रिमोट का वो निकल रहा है, ऐसे ही करो, रबर बैंड का होगी, आप लोग हर बार रिमोट का एक कवर पीछे से, वो हमेशा बैटरी का जो कवर होता है निकल जाता है, फिर वो ढूंढता था रबर बैंड लगा लगा के चलते हैं। वर्षा ये नया रिमोट है, इसकी धज्जियां मत उड़ाओ, शायद बच्चे जिस घर में होते वहाँ की हालत ऐसी हो जाती है। और ये बेड जो आपको दिखता है ना, ये वर्षा मैडम ने खाया है पूरा, ये निशानी, इसीलिए मैं इसे रिपेयर भी नहीं कराते। जब ये छोटी थी बच्चे मिट्टी खाते खाते, ये इसने पूरा, ये देखिए यार, मैं आपको दिखा दी इसकी करतूत, ये सारा ऐसे, इतनी बड़ी छोटी सी थी, यहीं पे पकड़ के खड़ी हो जाती थी और पूरे टीथ से खिच खिच करके, ऐसे छोटी सी बेबी थी 4-5 मंथ की, ऐसे ऐसे करके सारा ये पूरा बेड खा गई है। तो इसलिए हम इसको ठीक नहीं कराते, जब ये और बड़ी होगी तो हम इसे दिखाएंगे कि वर्षा ये सारा बेड आपने खाया है, देखो दीमक ने नहीं, आपने खाया है, भैया ने दीवार खाई थी, पेंट खाया था, और इन्होंने तो अलग ही काम किया है, लकड़ी खाई, इसलिए हम इसे रिपेयर नहीं कराते हैं, ये हमारे पास निशानी है वर्षा की। अभी सिट गए हुए हैं मिक्की को लेने के लिए, क्योंकि मिक्की का स्कूल ओपन था, तो आई एम वेटिंग फॉर हिम।
मिक्की आए स्कूल से, वर्षा लेटी है, जस्ट लिटाला है। वर्षा तो आराम से गर्मी थी, इंजॉय कर रही थी। तो मिक्की आने वाली, उनके एक्सप्रेशन बंद है क्या? अरे मैं गेट ओपन किया था। ओ, तुमने मुझे यार, मैं तो तुम्हें डरानी थी, तुमने मुझे डरा दिया। बोले ये इतने मामा को डरा दिया। गुड आफ्टरनून, आपको कैसे पता था? और जो भैया ने मुझे डराया, मैंने म्यूजिक क्लास ली थी पीटी की जगह, कैसे उन्होंने पियानो बजाया। गुड आफ्टरनून तो कर दो सबको, बता दो। गुड आफ्टरनून, अच्छा गलत हो दिखा रहे मेरा भैया, मोटू भैया, भैया ने मुझको डरा दिया। स्कूल गया था आज सैटरडे ऑफ। चलिए फिर अपने भैया को खिलाओ पिलाओ, नुनू कराओ, छोटा बेबी बनी है ये। देखा इनका सवाल, जल्दी से पहले उठा, सरप्राइज पराठे हैं टेस्टी। तो मैं अपने बच्चे को जरा देखती हूँ, बालती हूँ, सुलाती हूँ। तो हमारा बच्चा जल्दी से कपड़े बदल रहा है, इन लोगों की प्लेट्स आ गई हैं। दही है, आलू के बढ़िया स्टफिंग वाले पराठे हैं और अचार है। जल्दी से तने गो फास्ट, तो भूख क्यों घुमा दीजिए। तो अभी इधर खाना स्टार्ट हो गया है। मिक्की कैसे पराठे लग रहा है? रुमाली बिल्कुल अच्छे हैं। ये देखिए रुमाली इतना पतला पराठा बनाया कि इधर से उधर दिख जाए। खाइए। गाइस मेरे भैया को चुट्टू लग गई है, इतनी तेज से, बहुत तेज चोट लग गई मिक्की को। दो साइकिल वालों ने इनको गिरा दिया। लड़के बच्चे नीचे सब साइकिलिंग कर रहे थे, वो भी तेज तेज आ रहे थे। अब यहाँ पे इनको बहुत तेज, यहाँ पे ना हाथ मत लगो, तो आप ग्राउंड, आप एक्चुअली इसमें गलती आपकी भी, आप सामने वाले को क्यों नहीं देखते हो, ये क्यों सोचते हो कि सामने वाला आपको देखे। तो अभी बस सेट इनके लिए दवा ववा लेने गए, देखते हैं क्या है। अभी तो इनका पैर उठ नहीं रहा है, इन द सेंस की दिखाइए थोड़ा सा करो। हाँ ये यहाँ पे इस पैर में ही है, चलने में दिक्कत बहुत हो रही थी। बस ज़्यादा नहीं करो, पापा नहीं कहता था ऐसे अपने आप नहीं करो बेटा, कोई मुझे लगता है नस वगैरह अंदर से क्या बताया जाए। बच्चे जाते हैं खेलने और ये हो जाता है। साथ मैं रोज़ सारे बच्चों को ऊपर से चिल्लाती हूँ कि बेटा नहीं, पापा ने कहा था जोर मत डालो पैर पर, नो नो उस पर मत डालो, समझते क्यों नहीं हो दोनों। बस मेडिसिन आए तो इनको लगाई, देखते हैं क्या हाल है। वही तो इतना दिमाग ख़राब हो जाता है जब क्या किया जाए। बोलेंगे वीडियो पे नहीं, वीडियो पे क्यों, सारे बच्चे जो सुनते नहीं है ना, मम्मी लोग ऐसे ही परेशान होती हैं जब बोला जाता है बेटा मत। अभी तो फिलहाल चलिए, अब क्या डांटना है, पहले इनकी चोट का हाल देखिए। एक दिन की छुट्टी हुई उसमें ये चोट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू विश्रम द मदर व्लॉग। एंड आज तो सारा दिन ऐसे ही बिजी हो गया। मिक्की को चोट लगी साइकिल से गिर गए, तो उसमें सारा उनकी दवाई, उनको दर्द हो रहा था, तो टच वुड चलो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वही है कि इंटरनली है, तो अभी चलने में थोड़ी दिक्कत है पकड़ के। तो बस वही है, जस्ट पूजा करके उठी हूँ। और आप इन लोगों के लिए मैंने पालक आलू की सब्ज़ी बना दी है, पटना पीस की इन लोगों के लिए, क्योंकि वही व्रत वाला, तो मैं तो अपने व्रत के लिए आलू बॉयल किए हैं, मैंने डाल के खा लूँ। और आप बनाने जा रही हैं इन लोग के लिए राइस बना देती हूँ, तो ये लोग अपना राइस और पालक की सब्जी खाएंगे। That's it. बाकी अब हम एंजॉय करेंगे मूवी बैठ के आराम से सभी लोग। तो आप लोग का कभी जिनका इनका फास्ट है या जिनका नहीं है, तो सभी लोगों के नवरात्र अच्छे हों और माता रानी का नाम लेते रहिए, काम करते रहिए। तो गाइस अभी डिनर टाइम, बच्चा पार्टी का। ये वर्षा की प्लेट है, राइस पालक और आलू की सब्जी मैंने बनाई थी, और राइस गर्मा गर्म, तो ये वर्षा को मैं खिलाऊंगी। और तनु बाबा मेरा खा रहा है, कैसा बनाया तनु? तनु खा रहे हैं, सिर अभी सो रहे हैं, थक गए थे,
तो इन बच्चों को खिला दो और हम लोग मूवी देख रहे हैं थ्री इडियट। जल्दी फिर तो बच्चों को, इन लोगों को बहुत वही खिला पिला के फिर सुलाते हैं सब, मिकी को रेस्ट कराते हैं, मेडिसिन देके। अभी थोड़ा बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा तो खाना मैंने कहा चलो यहीं पे खाओ, सब लोग यहीं खाते हुए टीवी देखते देखते। आज चलिए फिर सोते हैं, मिलते हैं कल फिर। ओके फिर बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाकी तो आपको करना है, वो तो आपको करना है। और नवरात्र के दिन में, अच्छे दिनों में मुझे और सपोर्ट करिए, माता रानी का नाम धरिए, काम जब भी कोई करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, भक्ति से भरे रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय माता दी।